से निकल चुके हैं, हम शॉपिंग मॉल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, कुछ खाना खाएंगे और वो सब आपको दिखाया जाएगा इस एपिसोड में, बने रहिए। जो है हमारा शॉप है तो यहाँ से हम निकल चुके हैं, तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ। काफी सारा जगह हमें जाना है भैया के साथ, तो वो सब मैं आज आपको दिखाते जाऊंगी। ये खड़ियर का कुछ व्यू है, यहाँ पे हमें रुकने का प्लान था तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए थे, और मुझे लगा कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए, ये है खड़ियर का पुलिस स्टेशन, तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, तो आगे की तरफ शायद कुछ मनपसंद मिल जाए, तो आइए देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ये हम पहुँच गए राजा फास्ट फूड स्टॉल। यहाँ पे फास्ट फूड फास्ट ही होता है और स्लो फूड स्लो। क्या मतलब स्लो फूड स्लो? तो ये जो भैया है, हमारे लिए हमने ऑर्डर किया है फुल प्लेट चाउमीन, तो हमने ऑर्डर किया है 2 फुल प्लेट भैया और मेरे लिए। तो ये जो भैया है वो बना रहे हैं हमारा जो ऑर्डर दिया हुआ है, बहुत ही फास्ट बनाते हैं। और ये खड़ियर में है, तो आप जो भी खड़ियर में रहते हो या फिर आसपास के गांव में जो भी रहते हो, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना, राजा फास्ट फूड सेंटर उसका नाम है। तो आइए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और ये जो हमारा खाना है बनके तैयार है, तो आइए हम अब खाना खाते हैं और फिर हम यहाँ से जल्दी निकल के जाएंगे। तो वो कहाँ जाएंगे वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे मेरी बेटी के लिए चिकन पकोड़ा, बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का। आप देख सकते हैं बाहर का जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से हम निकल चुके हैं, तो आके हम रुकेंगे यहाँ पे। तो ये एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है यहाँ का, तो यहाँ हम
अंदर आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या खरीदेंगे भैया। ये टेक्सचर थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, और कलर भी। वहाँ कहाँ जा रही हैं, इधर दिखाइए। यही बोल रहा था। हाँ ये थोड़ा सही नहीं है लग रहा, कुछ दूसरा वाला देखें। चलो इसे रखते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है ये मॉल छोटे से टाउन में, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स किड्स सबका अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, अच्छे से सजाया गया है मॉल को। चलो इसे देखो, ब्लैक शर्ट्स, मुझे हमेशा से ब्लैक शर्ट्स पसंद थे, अब इसे पहन के थोड़ा ताता थैया तो बनता है। ई लो, हंसवा मत। कौन सा वाला आपको पसंद है, ये वाला या ये मैट ब्लैक या फिर? हाँ जो भी आपको पसंद है वो ले लो, ट्राई करके देखो। दिखाओ इधर। आप जो पकड़े हो ना वो वाला अच्छा है, आप थोड़ा देखो। बहुत ही कम प्राइस में है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ओनली 200 का है ये। और ये मेरे भैया आपको पसंद है ये वाला? हाँ हाँ तो ठीक है, ये वाला लेंगे। हाँ तो ट्राई करके देखो आप, कौन सा वाला? हाँ ये वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका एक्सेल लार्ज, एक्सेल है। हाँ एक्सेल वाला ले लो, एक्सेल नहीं एल। हाँ एल ले, आपको एल साइज होता है? तो एल साइज का मेरे पास एक है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही बड़ा मॉल है, और मुझे लगता है आपको एक बार यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा और बहुत ही बड़ा मॉल है, और बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। ये राज खड़ियर के में है और ये न्यूली ओपन हुआ है, तो आपको एक बार आना चाहिए। ये देखिए नहीं ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखेगा व्हाइट टी शर्ट में। बहुत ही कम प्राइस में के अंदर है, आप देख सकते हैं बहुत ही वैरायटीज है यहाँ पे। और ये जो जीन्स है हर साइज में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है दिखने में, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी यहाँ पे लगा हुआ है ताकि हमारा जो कस्टमर का माइंड है वो भी फ्रेश हो जाए। कुछ पसंद आया इसमें से? नहीं, जस्ट लुकिंग फॉर इट।
सजेस्ट हाँ सजेस्ट आप सब बताना कौन सा वाला अच्छा है भैया, ये वाला चूज किए है। हाँ मेरे हिसाब से ब्लैक शर्ट के साथ शायद अच्छा दिखेगा, आप एक बार ट्राई कर लो। What do you think? हाँ अच्छा दिखेगा। ये वाला मुझे छोटा हुआ। कौन सा साइज लेते हो आप? 32। और ये कौन सा साइज है? 30। Maybe this is it. I need 32. But it is 30. And I want 32. Okay. हाँ? ये देखो भैया कैसे डांस कर रहे हैं। और ये उनको साइज नहीं मिला तो जो शॉप वाले भैया है उनसे हम मांग रहे हैं साइज। मुझे लगता है भैया का साइज है 34 और यहाँ पे 28-34 लिखा तो है लेकिन नहीं है, मिल नहीं रहा है हमें। तो वो जो शॉप वाले जो भैया रहते हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, वो चेक करके अभी देंगे भैया को। तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं भैया यहाँ से। आस में है तो देखते हैं भैया को मिलता है कि नहीं। प्लेन के ऊपर चाहिए? हाँ व्हाइट शर्ट है, टी शर्ट तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तब पूछ लो भैया को एक बार, शायद हो। यहाँ पर तो नहीं है, हमें जो चाहिए मेरे भैया को व्हाइट टी शर्ट चाहिए। तो देखते हैं वो उन्हें मिलता है या नहीं। शायद उन्हें मिल गया है लगता है। नहीं उन्हें नहीं मिला, व्हाइट कलर का तो है बट ये उतना अच्छा नहीं है जो उनको चाहिए, उस टाइप का शर्ट नहीं है ये। और यहाँ का जो प्राइस है वो भी काफी सही है, अच्छा है प्राइस। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर की फ्लोर में, और ऊपर है लेडी ज्वेलर्स। और यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो काफी ज्यादा ब्लैंकेट्स है, और यहाँ पे है बच्चे लोग का स्वेटर, जैकेट्स और काफी सारा चीज है, आप देखिए।
भाई इस कूपन में कुछ लिखा नहीं जाएगा। ईमेल आईडी तो ये हम क्या कर रहे हैं भैया, आप जरा बताओ। कूपन ये क्या होता है? एवरी 1000 सेल पे खरीदारी पे ये मिलता है। अच्छा, और इसे क्या करना होगा आपको? बस इस ड्रॉ में डालना है। अच्छा, ड्रॉ देख लेते हैं। ये देखिए कैसे बनते हैं। तो डाल दीजिए। वैसे इसे फाड़ लेना है शायद। ठीक है, अब डाल भी दो। ये देखिए कुछ इस तरह इसमें डाल देना है। आज का सफर यही खत्म हुआ। SUFFER सफर। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।